बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा जर्नैल मुल्क से फरार होते वक्त गिरफ्तार हो गया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किसी भी माशरे या मुल्क में नौजवान कितना ताकतवर होता है, और अगर वही नौजवान तलीम याफ्ता या तालिबे इल्म हो तो उसकी क्या ही बात है। पाकिस्तान में हमेशा तलबा तंजीमों पर पाबंदी क्यों लगाई गई? दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के तलबा को भी मुतहद रखने के लिए आज तक कोई प्लेटफॉर्म दनिस्ता तौर पर क्यों नहीं बनाया गया? दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान में नौजवान नुमाया होने के बावजूद नुमाया क्यों नहीं दिखाए जाते? क्या यह हकीकत है कि किसी सोची समझी साजिश या किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तानी नौजवानों को नशे, माशरती बुराइयों, तालीम से दूरी, फनी अलूम से महरूमी और किसी किस्म की भी हौसला अफजाई से दूर रखा गया है? उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेकिन इससे कबल के वीडियो का मैं बाकायदा आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इसलाह जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, बांग्लादेश के तलबा ने एक वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने और मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज कब हुकूमत मुखालफ बन गया, शेख हसीना भी इसे समझ नहीं पाई। इस एहतजाज को तलबा ने मुनज्जम अंदाज में चलाया और इसके पीछे एक तालिबे इल्म का दिमाग काम कर रहा था। आइए जानते हैं कि वो तालिबे इल्म कौन था जिसने बांग्लादेश की सियासत को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें कभी इस अंदाज में हुकूमत से बेदखल कर दिया जाएगा। इन्हें यह भी गुमान नहीं होगा कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी तलबा के एहतजाज के सामने फीके और कमजोर पड़ जाएंगे। बांग्लादेश के तलबा ने कुछ हफ्तों के एहतजाज से बांग्लादेश की सियासत में हलचल मचा दी। बांग्लादेश की मजबूत हुक्मरान मानी जाने वाली शेख हसीना को एहतजाजी तलबा के डर से फरार होना पड़ गया। तलबा का ये एहतजाज मुनज्जम अंदाज में चलाया गया जिससे लाखों शहरी भी इनके साथ मिल गए जो शेख हसीना वाजिद की पॉलिसियों के खिलाफ थे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज की क़यादत नहद इस्लाम नामी एक तालिबे इल्म ने की। शेख हसीना का इस्तीफा तालिबे इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम की क्यादत में मुल्क गिर मुजाहरों के बाद सामने आया। 26 साला नाहिद इस्लाम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा नाहिद इस्लाम एक इंसानी हकूक के कारकुन भी हैं। इस वजह से वो सोशल मीडिया और अवामी जिंदगी में काफी मशहूर हैं। ये नाहिद इस्लाम ही हैं जिन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके बाद इन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया। 19 जुलाई 2024 को नाहिद इस्लाम को सबज बाग में एक घर से कम अज कम 25 अफराद ने अगवा किया था। एहतजाज में इनकी शमूलियत के बारे में बार बार पूछताछ के बाद इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, हथकड़ियां लगाई गई और इन पर तशद्दुद किया गया। दो दिन बाद वो परपाचल में एक पुल के नीचे बेहोश पाए गए। नाज़रीन, नाहिद इस्लाम शादीशुदा हैं। इनकी पैदाइश 1998 में ढाका में हुई। इनका एक छोटा भाई है, इनके वालिद एक टीचर हैं और इनकी वालदा हाउसवाइफ हैं। नाहिद के दोस्तों को उन पर बहुत ज्यादा फख्र है। उनके मुताबिक नाहिद के पास बहुत ही ज्यादा सलाहते हैं और इन्होंने हमेशा मुल्क में तब्दीली की तरफ जोर दिया है। वाजिया रहे कि तलबा के इस मुल्क गिर एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया था और मुल्क से फरार हो गई थी, जिसके बाद फौज ने इक्तदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश के सदर ने तलबा की धमकी को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया और फिर इसके बाद मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के दफ्तर ने मंगल की सुपहर इस फैसले का ऐलान किया। इससे कबल एक एहतजाजी रहनुमा ने धमकी दी थी कि अगर इसी दिन पार्लियामेंट को तहलील नहीं किया जाता तो वो दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे। दूसरी जानिब बीएनपी की चेयरपर्सन खालदा जिया को इनकी हरीफ शेख हसीना की माजूली और फौज को इक्तदार संभालने के एक दिन बाद ही
रिहा कर दिया गया था। बांग्लादेश के मीडिया जराये का कहना है कि खालदा जिया को सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, तीनों अफवाज के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और इंसदाद इम्तियाजी तलबा तहरीक के दरमियान मुलाकात के बाद रिहा किया गया। नाजरीन 89 साल साबिक वज़ीर आज़म खालदा जिया को 8 फरवरी 2018 को जिया ऑर्फनेज करप्शन केस में निचली अदालत की जानिब से 5 साल की कैद सुनाए जाने के बाद ओल्ड ढाका जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। कोरोना वायरस की वबा के दौरान शेख हसीना हुकूमत ने 25 मार्च 2020 को इनकी सजा मुअत्तल करते हुए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत खालदा जिया को इस शर्त के तहत आर्जी तौर पर रिहा किया गया था कि वो अपनी रिहाइश गाह में ही रहेंगी और मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। खालदा जिया तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हैं, जिनमें घेंटिया, शुगर, जिगर, गुर्दे, फेफड़ों, दिल और आंखों से मुतालिक मसाइल शामिल हैं। 2020 में जेल से इनकी मशरूत रिहाई के बाद से BNP की सरबराह को कार्डियोलॉजिस्ट की सरबराही में एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। नाजरीन खालदा जिया के डॉक्टर नवंबर 2021 में जिगर की बीमारी की तशखीस के बाद इन्हें बिरूने मुल्क इलाज के लिए भेजने का मशवरा दे रहे थे। वहीं तलबा तंजीमों के सरबराह पर नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने बतौर चीफ एडवाइजर अबूरी हुकूमत की क्यादत संभालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बांग्लादेशी अखबार ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनस का एक बयान शाया किया, जिसमे इन्होंने कहा की जब तलबा की जानिब से मुझसे राब्ता किया गया तो पहले मैं राजी नहीं था। मैंने इन्हें बताया की मुझे बहुत सा काम खत्म करना है, लेकिन तलबा ने इसरार किया। वाजिया रहे कि शेख हसीना के इस्तीफे और मुल्क से फरार होने के बाद फौजी सरबराह ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया था और कहा था कि एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी और फौज इसका साथ देगी। इसके साथ साथ फौजी सरबराह ने अवाम से तआवुन की अपील भी की थी। नाजरीन अब आपको बताना है कि मेजर जनरल जियाउल हसन को त्यारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी क्यों मुंतकिल किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल जियाउल हसन निजी एयरलाइन की प्रवास के जरिए दुबई रवाना हो रहे थे। तहम जहाज के टेक ऑफ से कबल जहाज को रनवे से वापस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर जनरल जियाउल हसन को इनके ओहदे से बरतरफ किया गया था। इन्हें साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का बहुत ही करीबी साथी समझा जाता था। बांग्लादेश के ISPR की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया था कि इन्हें इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। नाजरीन मेजर जनरल जियाउल हसन मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर NTMC के डायरेक्टर जनरल थे और ये एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत है। इस एजेंसी के जिम्मा मुल्क की सूरत हाल पर नजर रखना, इदादो शुमार जमा करना और कम्युनिकेशन मवाद की रिकॉर्डिंग शामिल है। इसके अलावा इस एजेंसी को ईमेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की भी इजाजत है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।